आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पर यूएई के सदर का सरकारी दौरा मौसम की खराबी के बायस मंसूख हो गया है। ये पाकिस्तान को मुस्लिम उम्मा से ही करारा झटका लगा है। क्या ये उम्मीद थी कि ऐसा झटका लगेगा? और इन दोनों कंट्रीज ने अपने मुस्लिम ब्रदर को यानी कि मुस्लिम बिरादर को छोड़ क्यों दिया? यूएई के प्रेसिडेंट ने आना था और वो नहीं आए, तो जो धमाका है वो तो पेशावर में हुआ, उन्होंने इस्लामाबाद आना था। तो यानी इस आप समझते हैं कि इस वजह से हुआ है, क्योंकि वेदर कंडीशंस तो कोई ऐसी नहीं है ऐसी यहाँ पर कि जिसके बिना पर वो ना आ सकते हैं। डर किस चीज का? देखिए, हमारे यहाँ सिर्फ नारे, अभी तक हमने नारे ही सुने हैं। जंग तो हमने जो 71 में जंग हुई थी तो सबने उसका हाल देख लिया। आज मुल्क दो टुकड़े हुआ पड़ा है। कश्मीर को आज तक कौन उसको जरूरत ही नहीं है, वो बहुत आगे चला गया है। वो आना चाहते हैं आप? कभी भी नहीं आना चाहते वो। इतहाई दुख और अफसोस के साथ आज पेशावर के इलाके थाना पुलिस लाइंस की मस्जिद के अंदर खुद कुछ धमाका हुआ, जिसके नतीजे में अब तक इमाम मस्जिद और पुलिस एहलकारों समेत दर्जनों अफराद शहीद और 150 से जख्मी हो गए हैं। धमाका एन जोहर की नमाज के वक्त हुआ, जहां हमला आवर पहली सफ में मौजूद था। यूएई ने एक स्टेटमेंट दिया, यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर को छोड़ दो। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूएई जाकर कहते हैं कि इंडिया के साथ तीन जंगें की और तीनों जंगों में हमने नुकसान उठाया, तो इसको कैसे देखते हैं कि एक बंदे के बयानात और दूसरी दुनिया हमारी रिस्पेक्ट कर रही है या नहीं कर रही, पाकिस्तान की क्यों नहीं कर रही, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने ऐसी खबर तो कोई नहीं देखी, लेकिन भिखारियों की कोई भी आपको पता इज्जत नहीं करता। बात यूएई की और सऊदी की रहे तो वो अपने मुल्क का फायदा सोचते हैं, जब बात इसराइल की आई है तो उन्होंने इसराइल को हम पाकिस्तान ने मानने से इनकार किया, उन्होंने इनकार नहीं किया, तो वो तो अपना फायदा देखते हैं। बाकी मैंने तो ऐसी खबर नहीं देखी। भिखारियों की कोई इज्जत नहीं होती, ये हमारा मुल्क है भिखारी। हमारा वजीर आजम वहाँ पे जाके कहता है मैं जी वो, आप ये समझेंगे कि मैं मांगने में मांगने नहीं आया। यूएई के प्रेसिडेंट ने आना था और वो नहीं आए, तो जो धमाका है वो तो पेशावर में हुआ, उन्होंने इस्लामाबाद आना था। तो यानी इस आप समझते हैं कि इस वजह से हुआ है, क्योंकि वेदर कंडीशंस तो कोई ऐसी नहीं है ऐसी यहाँ पर कि जिसके बिना पर वो ना आ सकते हैं। नहीं, यूएई के प्रेसिडेंट ने आना ही नहीं था जी, क्योंकि ही हैड नो बिजनेस देयर। उसका आना जो है वो जिसको आप कहते हैं ना, एयरपोर्ट पे पूछते रहते हैं कि टूरिस्ट और प्लेजर ट्रिप, उसका एक अपना ट्रिप था बावलपुर, वो जो जहाँ आपके जो इलाके हैं जहाँ पे शिकार, जी शिकार के लिए, दैट वाज द सोल पर्पस। और उसके लिए कई शहजादे आते हैं, कई सालों से बरसा बरस से आते हैं, आके चले जाते हैं। अब उन्होंने वहाँ आना था, इज देयर फेवरेट गेम, उसमें उसके लिए वो कहीं भी जा सकते हैं और दैट इज वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशन उनके लिए, चूंकि एक तो वो उनको बादशाह होने का एहसास दिलाते हैं। जब ये खबर आई है तो यूएई और सऊदियों ने रुख बदल दिया। देखो भैया, तुम्हें अगर काम करना, तुम्हें धंधा करना, तुम इंडिया के हाथ का जोड़ लो और ये कश्मीर भूल जाओ। सिंपल बोला है, कश्मीर भूल जाओ। और कश्मीर में सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है? यूएई और सऊदी अरब, हजारों करोड़ रुपए लगा चुके वो। अरे रोहित भाई, ये कोई मुसलमानियत पे या कोई रिलीजन पे देश थोड़ी ना चलता, उन्हें पता है इस साइड कश्मीर, तो फिर इस साइड भी पाकिस्तान के, वहां क्यों नहीं पैसा लगाया? वहां पैसा लगे तो मियामी में मकान बन जाएगा जनरल साहब का, बर्मिंगम में मकान बन जाएगा, ओटोवो में मकान खड़े हो जाएंगे, मेलबर्न में बड़े मकान खड़े होंगे। सऊदियों के पास ऑप्शन तो यहाँ का भी था ना, वहाँ क्यों नहीं लगाता एक पैसा सऊदी? यूएई वहाँ एक पैसा क्यों नहीं लगाता? उसे पता वो पैसा जा रहा कहाँ? यहाँ मनी सेफ है, आपका आईपीएल सेफ है, आपके इन्वेस्टमेंट सेफ है, आपके एसेट सेफ है, आपका सब कुछ सेफ है। और तीनों ने कोई कसर नहीं जोड़ी इस मुल्क को लूटने की। एस्टेब्लिशमेंट को आप देखें कि कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उसके बाद नवाज शरीफ, हमारी आर्मी की तादाद बहुत बढ़ गई, 12 लाख से ऊपर चली गई है। ये कहते हैं कि इंडिया से जंग होगी तो हमारे पास आर्मी बहुत ज्यादा होगी। आपको लगता है इंडिया हमसे जंग करना चाहता है? ना इंडिया चाहता है और ना हम चाहते हैं। हम बने हैं, डर किस चीज का? देखिए, हमारे यहाँ सिर्फ नारे, अभी तक हमने नारे ही सुने हैं। जंग तो हमने जो 71 में जंग हुई थी तो सबने उसका हाल देख लिया। आज मुल्क दो टुकड़े हुआ पड़ा है। इंडिया के साथ रिलेशन बेटर करने का टाइम आ गया, क्या आपको लगता है कि हमें इंडिया के साथ ट्रेड कर लेनी चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल, हम साया मुल्क ये भी हमारा है, हम चाहते हैं कि देखिए, पहले एक चीज़ मैं आपको वाजिया कर दूं कि पाकिस्तान बनने से पहले हिंदुस्तान था, ठीक है ना। जब ये तो पाकिस्तान इसलिए बनाया कायदे आजम ने कि यहाँ मुस्लिम लोग रह सकें, आप आराम से आजादाना तरीके से आप इबादत कर सकें। मैं बता रही हूँ आपको कि ये कि मुल्क 14 अगस्त 1947 को आज़ादी किस तरह ली, आपको पता है, इनको पता है, ठीक है, हमने बड़ों से सुना हुआ, पढ़ा हुआ, हमने स्टडी की हुई है, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपको वो बिल्कुल भी नहीं है। हिंदुस्तान था पहले, ठीक है ना, वो एक तरह साथ मोहब्बत से रहते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है।
अगर अगर वो दोस्ती करना चाहते हैं, पाकिस्तान भी चाहता है कि इंडिया के साथ दोस्ती के साथ रहे।